Here is the question. An excited state of hydrogen atom emits a photon of wavelength lambda and returns in the ground state. The principal quantum number of excited state is given by. Okay, sir. So, यहाँ पर ये बोला आपको कि एक transition आपको बताया है hydrogen atom के लिए कि यहाँ पर n is equal to किसी excited state से n is equal to 1 ground state के अंदर क्या होता है? Electron jump करता है. तब यहाँ पर एक radiation emit होती है जिसकी wavelength कितनी है? लैम्बडा है. आपको इस n की मतलब कि एक्साइटेड स्टेट के लिए आपको वैल्यू बतानी है कि कौन से एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में जंप कर रहा है. तो देखिए स्टूडेंट, ऑब्वियसली बात है यहां पर रिवर्स कांस्टेंट फार्मूला लगेगा. ठीक है, रिवर्स फार्मूला क्या होता है? रिवर्स फार्मूला 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू r z स्क्वायर इनटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. n1 यहां पर क्या होगा आपका? लोअर एनर्जी लेवल. n2 क्या होगा आपका? हायर एनर्जी लेवल. z एटॉमिक नंबर है, r रिडबर्ग कांस्टेंट है और लैम्बडा क्या है आपकी? वेवलेंथ है. चलिए तब देखिए 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r into z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितनी होगी? 1 होगी. तो इसको 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा. नाउ 1 अपॉन n1 स्क्वायर, बताओ लोअर एनर्जी लेवल कितना है? 1 है. तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा. तो ऑब्वियसली बात इसमें 1 लिख दूं माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर. ये हमें कैलकुलेट करना है हायर एनर्जी लेवल को. चलिए तो चेक करो, r को इधर भेज दो तो कितना जाएगा? 1 अपॉन लैम्बडा r इज इक्वल टू ये जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा. नाउ 1 अपॉन n स्क्वायर को इस साइड भेज देता हूं और 1 अपॉन लैम्बडा r को उधर भेज देता हूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन लैम्बडा r. तो रिलेशन देखिए, एलसीएम ले लीजिए, लैम्बडा r माइनस 1 अपॉन लैम्बडा r ये किसके इक्वल हो गया? 1 अपॉन n स्क्वायर के. इसे रिवर्स कर लेते हैं, n स्क्वायर बना लेते हैं. तो बताओ n स्क्वायर में क्या बनेगा? n स्क्वायर में क्या बन जाएगा? ये लैम्बडा r अपॉन लैम्बडा r माइनस 1 स्क्वायर रूट उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट लैम्बडा r अपॉन लैम्बडा r माइनस 1. तो चेक कर लीजिए यहां पर कौन सा ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर बी, यस ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन.